हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आगे के ट्रिक्स देखने वाले, वैदिक ट्रिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिक नंबर थर्ड से। तो ट्रिक जो थर्ड है वो क्या है, वो है सब्ट्रैक्शन। ऑफ अ नंबर फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड, फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड, फॉर एग्जाम्पल 1000, 10,000 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर को अगर मुझे 1000 से या फिर 10,000 से या फिर 1 लाख से या फिर 10 लाख से किसी से भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है वो हम लोग देखते हैं। वो प्रोसीजर ये है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो यूनिट डिजिट है ना, उसके अलावा जो भी डिजिट्स है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको किससे माइनस कर दो, 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, 9 से सब्ट्रैक्ट उसको कर दो, और जो यूनिट डिजिट है उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आई बात। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे 1000 में से माइनस करना है 553, ठीक है, किसको माइनस करना है 553 को। तो मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट है ये, तो इसको मैं माइनस करूंगा 10 में से, तो 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7। उसके बाद ये है 5, इसको मैं क्या करूंगा, 9 में माइनस करूंगा, तो 9 माइनस 5 कितना बनेगा, 4। ये वाला डिजिट भी 5 है, इसमें भी क्या मैं करूंगा, 9 से माइनस करूंगा, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, 4 4 7। क्या आ जाएगा अपना आंसर, 4 4 7। सिंपल आई बात समझ में, क्या किया मैंने, जिस भी नंबर को माइनस करना है ना, 1000 हो या 10,000 कुछ भी हो सकता है, उसमें से क्या करने का, जो सबसे छोटा नंबर है उसमें क्या लिख दो, वो जो सॉरी छोटा नंबर नहीं, जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको 10 से माइनस करो, और बचे हुए डिजिट्स को किससे माइनस करना है, 9 से माइनस करना है। आई बात समझ में। जैसे कि मान लो मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 1000 माइनस 353। क्या लिया मैंने, 1000 माइनस 353। क्या करूंगा, देखो सबसे पहले इसको 10 में से माइनस करो, 10 माइनस 3 कितना होता है, 7। इसमें इसको किससे माइनस करेंगे, 9 से, 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। इसको किससे माइनस करेंगे, 9 से, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 647 आ गया। आई बस समझ में। सो इट इज वेरी इजी मेथड, और ये वी कैन से इट इज वेरी अ गुड ट्रिक टू सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज मेरे को माइनस करना है 10,000 में से, क्या करना है मुझे, 10,000 में से मुझे माइनस करना है 4951। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसमें से माइनस, मतलब इसको किस में से माइनस करेंगे, 10 में से, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको किस में से माइनस करेंगे, 9, 9 माइनस 5, 4। इसको किस से माइनस करेंगे, 9, 9 माइनस 9, 0। इसमें तो किससे माइनस करेंगे, 9, 9 माइनस 4, 5। तो क्या आ गया अपना आंसर, 5049। अगली बार समझ में, क्या अपना आंसर आ गया, 5049। समझ में आई बात। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी 100 के मल्टीपल वाले नंबर में से कोई भी नंबर को अगर माइनस करना है, तो हम लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल अगर मैं और लू, इधर देखो ध्यान से, एक एग्जांपल अगर मैं यहां पे लू, और कि अगर मुझे मान लो दे रखा है 10 लाख में से मुझे माइनस करना है, इसको 10 लाख में
सॉरी 10 लिखनी, 10,000 में से माइनस करना है मुझे 623, क्या करना है मुझे माइनस 623, तब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसमें माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करोगे 3 में से, सॉरी 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 7, इसमें से किसको माइनस करोगे बोलो, इसमें माइनस करेंगे हम लोग 2 है ना, इसको माइनस करेंगे अपन 9 में से, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा फिर से 7 हो जाएगा, इसमें से किसको माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे अपन 9 माइनस 6 यानी कि 3, क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, यहां पर आगे एक 9 और लगेगा, क्यों एक 9 और लगेगा, क्योंकि यहां पर 5 डिजिट में से हम लोग 3 डिजिट के आंसर माइनस कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन 5 डिजिट में से 3 डिजिट के आंसर माइनस कर रहे थे, यानी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस एक से ज्यादा आता, जैसे हम लोगों ने जो पिछले एग्जांपल्स लिए उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स में एक ही का डिफरेंस था, यहां पर दो का डिफरेंस है, तो अगर दो का डिफरेंस है ना तो जो आंसर आएगा उसमें एक 9 लगाना है, अगर 3 डिजिट्स का डिफरेंस है तो आंसर में 2 बार 9 लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर 4 डिजिट्स का डिफरेंस है तो आंसर में 3 बार 9 लगाना पड़ेगा। सपोज एक एग्जांपल अगर मैं और लू जिसमें मुझे माइनस करना है 1 लाख, 1 लाख हो गया, हाँ हो गया, 1 लाख में से मुझे माइनस करना है 943, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहला काम तो देखो 3 है, 10 माइनस 3 यूनिट डिजिट को, 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, 4 को किससे माइनस करेंगे 9 से, 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, इसको किससे माइनस करोगे 9 माइनस 9 आ जाएगा 0, ठीक है, लेकिन यहां पर कितने डिजिट से टोटल, यहां पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट से, और यहां पर कितने डिजिट से अपने पास 3 डिजिट है, तो कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है 6 माइनस 3 3 डिजिट का डिफरेंस, तो क्या लिखोगे यहां पे 2 बार 9 लिख दोगे, अभी बस हमें अपना आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये प्रोसीजर है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 1 से ज्यादा है तो क्या करोगे, उतने मतलब जितने का डिफरेंस है उतने में से एक कम बार 9 लगाना है अपने, अभी बस जैसे कि यहाँ का 3 का डिफरेंस था ना तो 3 बार 9 नहीं लगाना, 2 बार 9 लगाना, 3 में से एक कम, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ये है प्रोसीजर अपना ट्रिक थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रिक नंबर फोर्थ, वो क्या है, देखो ट्रिक नंबर फोर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर को अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, बट जो नंबर्स है ना वो 11 से लेके 19 के बीच में ही होने चाहिए, किस किस के बीच में होने चाहिए 11 से लेके 19 के बीच में ही होने चाहिए, तो इन नंबर को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है मेथड, फॉर एग्जांपल आई हैव कंसीडर टू नंबर्स, सपोज आई हैव कंसीडर द नंबर 12 एंड नेक्स्ट नंबर आई हैव कंसीडर 6, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, वो है 12, छोटा नंबर जो है ना उसका यूनिट डिजिट लो, उसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, ठीक है, क्या है उसका यूनिट डिजिट 2, उसमें क्या कर दो, ऐड करना पड़ेगा अपन को किसको, जो बड़ा वाला नंबर है उसको, तो छोटे वाले नंबर का यूनिट डिजिट और बड़े वाले नंबर को क्या करना है अपन को ऐड करना है, तो 2 एंड प्लस 16 कितना आ जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई करो 10 यानी कि 0 लगा दो आगे, उसके बाद क्या काम करना है अपन को,
जो दोनों नंबर के यूनिट डिजिट्स हैं यानी कि 2 और 6, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, इन दोनों को अपन को ऐड कर दो, तो 180 प्लस 12 कितना आ जाएगा 192। अभी बस समझ में, सो वेरी इजी मेथड टू सॉल्व, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने का। सपोज आई हैव टेकन अ नंबर 14 एंड सेकंड नंबर 19, ओके, क्या लिया नंबर मैंने 14 और 19, तो क्या करेंगे सबसे पहले, बहुत फास्ट करते हैं अपन। देखो यूनिट डिजिट क्या है छोटे नंबर का, 4, 4 प्लस 19 कितना हो जाएगा 23, 4 प्लस 19 कितना हो जाएगा 23, इसके आगे क्या करेंगे 0, और फिर क्या करेंगे जो दोनों के यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 होता है 36, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 230 और 36 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ऐड करने के बाद मिलेगा 266। अभी बस समझ में, इस तरीके से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी टू डिजिट नंबर को जो 11 से 19 के बीच में आएंगे, मतलब 11 से लेके 19 तक के कोई भी दो डिजिट नंबर को अपन क्या कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रिक्स होती है ना वो पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए रहती है, वो सब चीज के लिए भी रहती है, जैसे कि ये ट्रिक जो है सिर्फ 11 से लेके 19 तक के बीच के नंबर्स के लिए, और ट्रिक्स होंगी जो अलग 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 नंबर्स के लिए रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ओके, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, ओके स्टूडेंट्स बाय।